नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। करनाल की घटना पर सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने करनाल हिंसा के पीछे पंजाब का हाथ बताया है। उन्होंने कहा कि किसान नेताओं के प्रदर्शन में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन पंजाब के नेताओं ने माहौल खराब किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान नेता राज्यपाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को लड्डू खिलाया। मेरे को त्याग पत्र मंगने वाले जिन्हों का नाम तुम लिया है, वो कौन होंगे मेरे सिर पे? मैं उन्होंने की माना जिड़े तुम कहते हो कि वह त्याग पत्र देन के ना देन। त्याग पत्र तो उन्होंने दे देना चाहिए चाहिए है कि जो कारण वह बने ने सारे किसान अंदोलन के, क्योंकि पंजाब के ही बंदे है कि जेडे उ जाके बैठे है। मेरे हरियाणा का बंदा ना तो सिंघू बॉर्डर से बैठा है, ना टिकरी बॉर्डर से बैठा है। तुम जाके गिण लो जाके, मेरे को रोजाना खबर आ जाती है कि उत्थे पंजाब के बंदे किन्ने, हरियाणा के बंदे किन्ने। और वो जेडे ये गलबइया पाई फिरदे है, ये सारा संदक सब नू पता है कौन की करदा। उत्थे वो बैठे बैठे उन्होंने उकसा रहे हैं, और इत्थे साडे जेडे हुड्डा साहब और साडे जेडे कांग्रेस मित्र ने वो सारे कर रहे हैं, सानू सारा पता है। और इन्ना वड्डा अगर उन्होंने संगठन जथेबंदियां होंदियां ते हुण तक अंदोलन खत्म हो गया होंदा। उत्थे कुल मिला के उत्थे जथेबंदी का कोई असर नहीं है हरियाणा दे विच। जिन्ने लोग उत्थे ने वो सानू पता है, पूरा हरियाणा का किसान है खुश है। हरियाणा के किसान नू जो कुछ असीं व्यवस्थावां दे रहे हैं पूरियां दे रहे हैं। हाँ, जिन्हें नहीं मनना वो नहीं मनना तो नहीं मनना, उन्होंने जबरदस्ती नहीं मना सकते। लेकिन लोकतंत्र दे विच किसी के रस्ते को रोकण का असीं भी तो नहीं रोकते ना उन्होंने। असीं उन्होंने नहीं कहा कि तुसीं धरना ना दिओ। धरना देने वास्ते उन्होंने तो जिन्नियां व्यवस्थावां मंगियां असीं सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर से वह भी दित्तियां। सफाई उत्थे कराई, पानी की व्यवस्था उत्थे की, बिजली के कनैक्शन उन्होंने दिते, मेडिकल व्यवस्थावां उत्थे करके असीं दे रहे हैं। आखिर इन्ने महीने तो बैठे है तो बिना सरकारी व्यवस्थावां दे नहीं बैठे उत्थे। सारा जिहड़ा लोकतांत्रिक तरीका है वो असीं अडोप्ट कर रहे हैं। लेकिन इहदा मतलब यह नहीं है कि एक सीमा नूं पार करन वास्ते किसी नूं छूट है। सीमा पार करन दी छूट किसी नूं नहीं है। और असीं अपने हरियाणा दे किसान नूं किवें खुश रखना यह सानूं पता है। और जब तक यह है कि इन्ने महीने गल नहीं हुई, गल करने वास्ते केंद्र सरकार हमेशा बुलाउंदी है, लेकिन वह कहते कि पहले साडी गल मन्नो। पंचायत क्या पंचा का आख्या उत्थे दा उत्थे, परनाला क्या पंचा का आख्या सिर मत्थे, परनाला उत्थे दा उत्थे। कहना जी पहले तीन कानून वापस लो फिर असीं गल करांगे। यह कंडीशना ला के कोई गलबात हुंदी है क्या? कंडीशना ला के गलबात कदे नहीं हुंदी, और यह कंडीशन कदे लाई भी नहीं है केंद्र सरकार ने भी। हाँ, लेकिन तुहाडी कंडीशन यह नहीं मान सकते कि पहला तीन कानून वापस लो, पहला एमएफसी से कानून बनाओ फिर असीं गल करांगे। पर